आजमगढ़ एयरपोर्ट को लेकर सियासत तेज हो गई है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 मार्च को आजमगढ़ जिले के 1,700 करोड़ की परियोजनाओं को जनता को समर्पित किया। इसके साथ ही एयरपोर्ट और विश्वविद्यालय की सौगात दी। 11 मार्च से आजमगढ़ के मंदुरी एयरपोर्ट से लखनऊ के लिए उड़ान भी शुरू हो गई। भाजपा सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ का कहना है कि अभी तो यह सिर्फ झांकी है, अभी दिल्ली मुंबई और दुबई की उड़ान बाकी है। एक दिन पूर्व शुरू हुई उड़ान, भाजपा सांसद बोले, जल्द होगा विकास। सपा बोली, हो रहा उद्घाटन का उद्घाटन। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का सपना है कि छोटे छोटे शहरों को बड़े शहरों में कनेक्टिविटी बढ़ जाए और उनके बजट में ही उन्हें हवाई यात्रा करने को मिले। दिनेश लाल यादव निरहुआ ने कहा कि प्रधानमंत्री ने इसके विस्तारीकरण के लिए कहा है, कहा कि आने वाले दिनों में इसे अंतरराष्ट्रीय अड्डा बनवाकर यहां से मुंबई, दिल्ली और दुबई की फ्लाइट की शुरुआत हो, उसकी प्राथमिकता रहेगी। सांसद ने कहा कि पहले यह एयरपोर्ट सिर्फ नेता के लिए बना था, अब जनता के लिए प्रधानमंत्री ने दिया है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, आजमगढ़ और मुरादाबाद एयरपोर्ट के उद्घाटन को लेकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। अखिलेश ने कहा, आजमगढ़ का एयरपोर्ट नेताजी और समाजवादी पार्टी ने बनाया था, उसका उद्घाटन हुआ है। मुरादाबाद का एयरपोर्ट नेताजी और समाजवादी पार्टी ने बनाया था, उसका उद्घाटन हुआ है। 2005 में यहां सिर्फ हवाई पट्टी हुआ करती थी, जिस पर विमान उतरा करते थे। नवंबर 2018 में हवाई पट्टी का विस्तार करते हुए उसे एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की गई थी। आपको क्या लगता, आजमगढ़ हवाई अड्डा समाजवादी अखिलेश सरकार में बनवाया है या बीजेपी मोदी सरकार ने बनवाया है? कमेंट करके बताएं।